आज के इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर ये सेकेंड है, फर्स्ट वीडियो बन चुकी थी और उसमें हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो सेकेंड वीडियो जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 58, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल के। तो जो भी स्टूडेंट्स CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना है BSc नर्सिंग के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे प्रिपरेशन चल रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली पेपर आएंगे, तो ये समझिए कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इससे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है BSc नर्सिंग करा रही है, अगर उससे इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 58 नंबर से, क्योंकि 57 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह क्या रहा है ये भी पहले तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब इंग्लिश ओनली पूछा जाता है तो दिक्कत यहीं पे होती है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडॉन्स इज ए चैन टर्मिनेटर कोडॉन, जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं जैसे EU GU, ये तीन बेस हैं, तीन कोडॉन्स हैं, इसमें चैन टर्मिनेटर कोडॉन हमको बताना है। अब पता होना चाहिए कि चैन टर्मिनेटर कोडॉन कौन होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जो रोक देते हैं, जैसे DNA से mRNA जब बनता है ना उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो इसी को यूनिट को क्या कहते हैं, mRNA, इसी को रोकना चैन टर्मिनेटर कोडॉन होता है। तो ये चीज़ देखिए, चैन टर्मिनेटर कोडॉन या दे, या फिर यहीं पे अगर दे देता नॉन सेंस कोडॉन, इसी को बोलते हैं NSENSE, नॉन सेंस कोडॉन, आप लोग लिख सकते हैं ये नॉन सेंस कोडॉन या फिर चैन टर्मिनेटर कोडॉन, एक ही चीज़, एक ही बात है। अब ये चैन टर्मिनेटर कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन तीन होते हैं, जैसे ये ऐसे लिख ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, यू लिख लीजिए, यहाँ भी यू लिख लीजिए, यहाँ पे यू लिख लीजिए, तीन यू लिख लीजिए, अब एक पे ए कर लीजिए, फिर सेकेंड पे क्या करेंगे, सेकेंड पे भी ए कर लीजिए, और थर्ड पे क्या करेंगे, थर्ड पे तो आप यू नहीं, यहाँ पे जी करना पड़ेगा, तो UUUAAG कर लीजिए। अब एक ए पे यहाँ पे ए लगा लीजिए, और यहाँ पे जो UA है ना, यहाँ पे एक जी लगा लीजिए, अब यहाँ पे तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा, तो ये उआ उगा उग ऐसे याद कर सकते हैं, उआ ऊ आ उआ याद कर लीजिए, उआ उगा ऊ गा याद कर लीजिए, उग याद कर लीजिए, ये चीज़ अगर आप याद कर ले गए, ये तीनों क्या होते हैं, चैन टर्मिनेटर कोडॉन, इसको नॉन सेंस कोडॉन भी कहते हैं, और इसी उआ को एक नाम से और जानते हैं, उआ को ओकर भी कहते हैं, OOCHER, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, ओकर कहते हैं, और ये उगा को क्या कहते हैं, उगा को कहते हैं ओपल कहते हैं, ओपल OPAL ओपल कहते हैं, और उग को क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं, AMBER अंबर कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब इसमें आप आसानी से देख लीजिए, उग दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा, नॉनसेंस कोडॉन या चैन टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इन पी पॉड के जो मेंडल्स ने लिए थे पी पॉड्स, तो पॉड का करल लिए थे, साइज लिए थे और उसका पोजीशन लिए थे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पी, अगर यहाँ पे 2 दिया होता ना तो 2 भी सही होता, बट 2 तो दिया नहीं है, 3 दिया है, तो 3 आप लोग लगाएंगे, पॉड पोजिशन, पॉड कलर और पॉड शेप, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन अगर हो जाएगा आपको टेस्ट क्रॉस अगर पता रहेगा, इफ़ ये क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो उसके प्रोड्यूस होते हैं 50% डोमिनेंट प्रोड्यूस होते हैं एंड 50% रिसेसिव प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव का मीन्स स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराएंगे, किसका, हेटरोजाइगस का कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस का किसके बीच कराया जाता है, हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव के बीच कराया जाता है, और टेस्ट क्रॉस कौन कराया था, मेंडल साहब ने कराया था, F2 जीनोटाइप निकालने के लिए कराए थे, अननोन जीनोटाइप निकालने के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए हेटरोजाइगस
और होम हो जाएगा रिसेसिव के बीच। जब कराएंगे तो 50% आपका डोमिनेंट करेक्टर आएगा एंड 50% रिसेसिव करेक्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है 61। स्ट्रक्चरल लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल लिपिड होती है वो किसकी बनी होती है, वो तो सिंपल लिपिड, क्रोमोलिपिड, स्टीरोइड या फास्फोलिपिड, तो ऑप्शन नंबर डी फास्फोलिपिड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि आप लोग अगर अच्छे से याद किए होंगे तो हो जाएगा, ये माल्स मैंने काफ़ी बार बताया था कॉन्सेप्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड, तो पहले तो यही पकड़िए ना कि ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, यम से माल्टोज हो जाएगा और यल से लैक्टोज हो जाएगा और सा से सुक्रोज हो जाएगा, ये क्या होते हैं माल्स, क्या होता है डाइसेक्राइड होते हैं माल्स, तो ये जो होते हैं डाइसेक्राइड और एक आपका ग्लाइकोजन बच रहा है वही पॉलीसेक्राइड होगा, तो एकदम सिंपल है। इसमें आपका लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये तीनों डाइसेक्राइड हैं और ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेक्राइड है। अच्छे से देखिए, एकदम सिंपल लग रहा है, लगेगा। व्हाट विल बी द कोडांस इन mRNA, अब ये mRNA का कोडान दी DNA कोडांस, DNA कोडांस दिया गया है, अब mRNA कोडांस देखना है, तो mRNA कोडांस में थाइमिन होता नहीं है, तो एक इसके AT ऐसे लिख लीजिए, AT GC के साथ कोड करता है, GC के साथ, अब आप mRNA का कोडान बनाने जा रहे हैं ना, तो इसमें थाइमिन होता नहीं है, तो एडनिन के साथ क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे ए लगा रहेगा वहाँ यहाँ पे आप यूरेसिल लगाएंगे, जैसे देखिए ये देखिए ए फर्स्ट पे लगा है, तो ये देखिए यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, अब यहाँ पे टी लगा है, टी के स्थान पे AT हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी लगा है, सी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है तो वो है एंडेमिक स्पीसीज, एक फिक्स एरिया में होती है, एंडेमिक स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सही मैच नहीं किया गया, साइकान किस में होता है, कैनाल सिस्टम होता है, सही है, स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये भी सही है, एस्कैरिस में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं और प्रॉन में हीमोसिल्स पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लेम सेल्स की बात कर रहा है तो टीनिया टेपवार्म, फैसोला, लीवर फ्लूक में पाया जाता है, क्योंकि फ्लेम सेल्स किस में पाया जाता है, आप यहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका जो ये फ्लेम सेल्स होता है ना, ये प्लेटी हेलमेंथीज में पाया जाता है, PLATYHELMINTHES प्लेटी एलमेंथीज, जब आप फाइलम पढ़ेंगे ना एनिमल किंगडम में, तो प्लेटी एलमेंथीज में फ्लेम सेल्स पाई जाती है, स्क्रेटरी आर्गन होती है, तो ना कि एस्कैरिस में पाया जाता है, एस्कैरिस किसका मेंबर्स होता है, आप जब क्या पढ़ेंगे प्लेटी एलमेंथीज के बाद एस्कलमेंथीज पढ़ेंगे तब वहाँ पे एस्कैरिस आता है, बट अगर आप प्लेटी एलमेंथीज पढ़ेंगे तो टीनिया टेपवर्म और फैसियोला लीवर फ्लूक पढ़ना पड़ेगा जिसमें फ्लेम सेल्स पाया जाता है, ना कि एस्कैरिस में, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम डज नॉट प्रोसेस सीलोम, अब इसमें देखना है किस में सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, तो सीलोम ऑब्सेंट किस में होता है, असीलोमेट होता है, असीलोमेट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं असीलोमेट, COELOMATE, असीलोमेट कौन होते हैं, जो प्लेटी हेलमेंथीज वाले होते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज में असीलोमेट कंडीशन पाई जाती है, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, असीलोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथीज आर असीलोमेट, तो ऑप्शन नंबर असीलोमेट मीन्स सीलोम और इसको आ मीन्स लग गया, ए अगर आगे लग गया तो ऑब्सेंट हो गया, तो सीलोम ही ऑब्सेंट होगा किसमें, प्लेटी हेलमेंथीज में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अभी तक अगर लाइक ना किए हो ना, तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर लें। सेल्फिश मत बने, सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल्फिश अगर बनते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। वीडियो को लाइक आप खुद देख लीजिए ना, लाइक कितना कम है, और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करिए। मैंने कितनी बार कहा है, अगर आप कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो कहना भी आपको मानना पड़ेगा, तभी आपका कुछ बेनिफिट होने वाला, नहीं तो फिर ईगो में बेनिफिट नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। ये कोई एडवाइज नहीं है, ये आप करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को किए होंगे और लाइक भी आप करेंगे ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से और अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स आर। अब ये क्वेश्चन, कार्डियक मसल एक होती है स्केलेटल मसल्स होती है, और स्मूथ मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स होती हैं। तो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? स्टेटेड होती हैं और वॉलंट्री होती हैं। नहीं, वॉलंट्री नहीं होती हैं। वॉलंट्री का मतलब क्या होता है? अपने इच्छा अनुसार वो उसको मूव कराया जाए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना उस पर डिपेंडेंट हो, उसके कंट्रोल में हो, तो वॉलंट्री कहलाती हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती हैं उसको इनवॉलंट्री कहती हैं। तो हार्ट जो होता है, कार्डियक मीन्स हार्ट होता है, हार्ट का जो मसल्स होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर थोड़ी डिपेंड करता है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जब डिपेंड करेगा तो कभी मन कर दिया उसको स्टॉप कर दें, कभी चालू कर दें, ऐसा नहीं होता है। इनवॉलंट्री कंट्रक्शन होता है, मैक्सिमम कंट्रक्शन होती है, और इसकी जो कार्डियक मसल्स होती है वो स्टेटेड होती है, धारीदार होती है, इनवॉलंट्री। तो इच्छानुसार ये इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे एक बार पूछा गया था कि अगर ये जो कार्डियक मसल्स होती है ये स्टेटेड होती है और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, ना कि CNS के द्वारा। CNS के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्या ये जो हार्ट क्या होता है, रैपिड कंट्रक्शन होता है हार्ट में, तो ये हार्ट के कंट्रक्शन में ये कभी कभी फैटीग नहीं होती, नेवर गेट फटीग, कभी थकती नहीं है, हमेशा चलती रहती हैं। तो ये चीज़ जान लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज फाउंड इन पेंटामर्स। पेंटामर्स जैसे ही IgM आपको लगाना पड़ेगा, IgM इज पेंटामर विथ 10, तो ये चीज़ 10 पैराटॉप्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट फाइगोसाइटिक सेल। आप इसमें आप जान भी रहे होंगे कि क्या NM2, मैंने काफ़ी बार ये ट्रिक बताया था कि NM2 जो होते हैं ये फाइगोसाइटिक होते हैं, N से न्यूट्रोफिल्स, M से माइक्रोफेज और 1 M से मोनोसाइट, ये फाइगोसाइटिक होते हैं। बट इसमें जो बैसोफिल दिया गया है ये फाइगोसाइटिक नहीं होती है, भक्षण सेल कहलाते हैं फाइगोसाइटिक सेल को, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमेटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। इसमें कह रहा है जो मैन का मोस्ट प्रिमेटिव एंसेस्टर कौन होता है, कौन सबसे करीब होता है मैन के, होमो हैबिलिस या फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस या फिर होमो नियंडरथलेंसिस। तो ऑप्शन नंबर रामापिथेकस जो होता है यही सबसे प्रिमेटिव एंसेस्टर, मैन का सबसे करीबी दोस्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो मच्छर होता है फीमेल, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फीमेल एनाफ्लीज है, तो उसको देखेंगे, प्रोबोसिस पाया जाएगा, पल्पी आर लॉन्ग होती है, मोर होगा या लेस इक्वल लेंथ की होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, प्रोबोसिस एंड पल्पी आर लॉन्ग ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, एकदम फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दी एंटीरियर बी स्पॉट इन माइक्रोफाइल, जो माइक्रोफाइलेरिया पाई जाती है ना, जैसे बुचेरिया ब्रेंक्योफिटी, रिप्रेजेंट क्या करता है, बी स्पॉट उसमें पाई जाती है, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है, वो बी शेप की पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, बी स्पॉट माइक्रोफिलेरिया बुचेरिया रिप्रेजेंट एक्सक्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन पॉपुलेशन में अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज होएन द टू इकोसिस्टम, होएन द टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर द एरिया इज कॉल्ड, होएन टू इकोसिस्टम है ओवरलैप एक दूसरे में कर रहा है तो उस एरिया को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन जोन को इकोटोन रिप्रेजेंट करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद ये पता होना चाहिए कि जो पिरामिड बनता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना एनर्जी का, वो इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा हमेशा अपराइट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस है जो मैक्सिमम रोल प्ले करती है, सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 60% जो होता है इसी का रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हिंट दिया गया, 60% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू CO2, जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैस होती है टोटल, उसका 60% तो अकेले CO2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जोटिक कार्प स्पेसीज, जो बाहरी वाली स्पेसीज कौन सी है, तो ये सिफरिनस कार्पियो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ फॉलोइंग टू हार्मोन आर इसेंशियल फॉर इंड्यूज ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, जो ब्रीडिंग होता है मछलियों में, कौन सा दो हार्मोन बताना है, कौन सा रोल प्ले करता है, इसेंशियल रोल होता है, तो वो होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, यही दो हार्मोन ब्रीडिंग ऑफ फिशेस में इंड्यूज मतलब रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, व्हिच स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट, व्हिच स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज इन्फेक्टिव टू मैन, मलेरिया पैरासाइट की कौन सी स्टेज होती है जो मैन को इन्फेक्ट करती है, गैमेटोसाइट होती है, मीरोजोइट होती है, या क्रिप्टोमीरोजोइट होती है, स्पोरोजोइट, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, वो होती है स्पोरोजोइट, जो इन्फेक्टिव मैन का मलेरियल पैरासाइट होती है तो वही स्टेज होती है स्पोरोसाइट, स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव टू मैन, मैन को वो इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 80 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, दी साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉथ, मॉथ एक कीड़ा होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो साइंटिफिक नेम देखिए बॉम्बेक्स मोराई या फिर एंथेरिया माइलेटिया, तो ऑप्शन नंबर यही एंथेरिया वाला ही करेक्ट हो जाएगा और इसमें याद करना है मिलेटा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, दो वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया, 80 क्वेश्चन तक, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जितनी भी वीडियो चैनल पे है ना सभी रिवाइज करें, या अगर आप CET देना है या कोई भी BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स की सभी वीडियो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, अगर अच्छे नंबर आपको गेन करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो ये मत पूछिए कि कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, सभी वीडियो जितनी भी चैनल पे हैं और चाहे वो नीट की प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर में कराया हूँ वो कराया था 2001 से लेके 2020 तक, तो सभी पहले पेपर डिस्कस क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप और जितने वीडियो हैं सब रिवाइज करिए, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो मैं क्रिएट किया हूँ सभी वीडियो आपको ज़रूर देखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।